Good morning, all of you. I am Meeta Sharma from Lial Public School, Bikaner, your Hindi teacher. बेटा आज हम कक्षा छठी हिंदी प्रथम की पाठ्य पुस्तिका उन्मेष के पाठ तीन किताबें चैप्टर को हम रीड करेंगे. किताबी चैप्टर को हमने पिछली अपनी क्लास में हमने इस कविता को हमने पढ़ लिया था. इसके अर्थ और भावार्थ को हमने अच्छे से समझ लिया था. आज हम इसका एक एनिमेटेड वीडियो देखेंगे. एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से हम इस कविता को वापस से रिवीजन करेंगे. तो आइए सर्वप्रथम देखते हैं हम एनिमेटेड वीडियो. किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की. क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है. किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं. किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है. किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है. क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं. एनिमेटेड वीडियो हमने देख लिया है. एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से हमने इसका वापस से रिवीजन कर लिया है ताकि हमें चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ का अध्ययन करने जा रहे हैं. तो देखिए, सबसे पहले श्रुत लेख. श्रुत यानी सुनने वाला, लेख यानी लेख, सुनकर जो लेख लिखा जाए उसे क्या बोलते हैं? श्रुत लेख. इंसान, चहचहाती, साइंस, परियों, रॉकेट, किस्से, खेतियां, जमानों, लहलहाती, भरमार, झरने, गुनगुनाते. अब देखिए शब्दार्थ. जमाना यानी कि युग, गम, दुख, रॉकेट अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले यान, रॉकेट अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले यान, राज, रहस्य, भरमार, अधिकता. देखिए मौखिक प्रश्न उत्तर. कवि हमसे क्या सुनने के लिए कहता है? कवि किताबों की बातें सुनने के लिए कहता है. कवि क्या कहता है कि किताबों की आवाज, कविता की बात या किताबों की आवाज सुनने के लिए हमें कवि कहते हैं. किताबों में किसके किस्से सुनाए जाते हैं? किताबों में परियों के किस्से सुनाए जाते हैं. किताबों में किसकी आवाज छिपी है? किताबों में साइंस की आवाज छिपी है. किताबों में किसकी आवाज छिपी है? किताबों में साइंस की आवाज छिपी है. देखते हैं लघु प्रश्नोत्तर. किताबें किसके पास रहना चाहती है? किताबें सदैव हमारे पास रहना चाहती है और हमसे बातें करना चाहती है. किताबें किसके पास रहना चाहती है? किताबें सदैव हमारे पास रहना चाहती है और हमसे क्या करना चाहती है? बातें करना चाहती है. किताबें किस जमाने की बातें करती है? किताबें बीते हुए जमाने की, यानी पुराना जो कार्य हो चुका है वो उस जमाने की बातें, आज की यानी वर्तमान की, और कल की यानी भविष्य में होने वाले समय की, एक एक पल की बातें हमें कौन करती है? किताबें करती है. हम किताबों की बातें कैसे सुनते हैं? हम किताबों को पढ़कर व उनसे प्राप्त ज्ञान को समझकर ही किताबों की बातें सुनते हैं, क्योंकि किताबें हमें अनेक प्रकार का ज्ञान प्रदान करती हैं. हम किताबों की बातें कैसे सुनते हैं? हम किताबों को पढ़कर व उनसे प्राप्त ज्ञान को समझकर ही किताबों की बातें सुनते हैं, क्योंकि किताबें हमें अनेक प्रकार का ज्ञान प्रदान करती हैं. तो किताबें हमसे
सामने अपने बैठ के तो बातें कर नहीं सकती, वो हमें क्या देती है, अपनी शिक्षा अपने ज्ञान के माध्यम से हमें दुनिया की ज्ञान और नैतिकता की सीख हमें देती है। नेक्स्ट देखिए, संक्षिप्त प्रश्नोत्तर। किताबें आज की कल की बातें करती हैं, इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है? इस पंक्ति का तात्पर्य यह है कि किताबें भूत वर्तमान और भविष्य की बातें करती है। अब हमें क्या बताया गया पंक्ति में, देखिए किताबें आज की कल की क्या क्या बातें करती है हमें बताया गया। इस पंक्ति में बताया गया है कि किताबें भूतकाल की वर्तमान की और भविष्य की बातें करती हैं, जिससे इतिहास समाज और विभिन्न नवीनतम चीजों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इतिहास यानी जो समय बीत चुका उसके बारे में, समाज यानी अभी सामाजिक जो कार्य हो रहे हैं उसके बारे में, और आगे आने वाले जो नवीनतम चीजें हैं, जो कौन कौन सी चीजें नई टेक्निक वगैरह, उन सब चीजों की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है, किताबों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए, किताबें किन अलग अलग विषयों की बातें करती हैं, इनमें से आपको कौन सा विषय पसंद है? किताबें इस समाज में व संसार में व्याप्त सभी चीजों की बातें करती है, जैसे समाज की अच्छाई बुराई, संसार में होने वाली प्रत्येक प्रतिक्रिया। अब हमें किताबें किस किस चीजों के बारे में बातें करती हैं? किताबें संसार में और समाज में व्याप्त जो जो चीजें हैं सबके बारे में बातें करती है, चाहे वो अच्छाई हो, चाहे बुराई हो, चाहे वो प्रकृति की बातें हो। मुझे उनमें से विज्ञान विषय पसंद है, क्योंकि इसमें नवीनतम खोजे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जानकारी हमें प्राप्त मिलती है, मतलब कुछ ना कुछ न्यू इन्वेंशन होता है ना, इसलिए मुझे कौन सा विषय पसंद है, विज्ञान विषय पसंद है। क्या आपने कभी किताबों के संसार का अनुभव किया है? अपने अनुभव लिखिए। किताबों का संसार बड़ा ही अद्भुत व विस्तृत है। किताबों का संसार कैसा अद्भुत है, विस्तृत है, जितना उसको पढ़ोगे उतना उसमें खो जाओगे। इस मतलब ये कहीं तक भी सीमित नहीं है, ये असीमित है इसका भंडार। किताबों से है हमें असीमित ज्ञान मिलता है, किताबों का भंडार है वो असीमित है, तो ज्ञान भी हमें असीमित ही मिलेगा। किताबों के द्वारा हम न केवल भूत वर्तमान अपितु तो भविष्य के कार्यों के बारे में भी अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। किताबों से हम अनेक ज्ञानवर्धक जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, किताबों से एक भावनात्मक संबंध हो जाता है, यह हमारी मित्र बन जाती है, हमें इनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए? तो देखिए, किताबों से हमारा भावनात्मक संबंध हो जाता है। किताबों से हमारा कैसा संबंध हो जाता है? भावनात्मक संबंध हो जाता है। किताबें हमारे मित्र की तरह सुख दुख हार जीत खुशी गम हर समय हमारे साथ रहते हैं। जिस प्रकार एक सच्चा मित्र होता है वो हर समय हमारे साथ रहता है, चाहे हमें सुख हो चाहे हमें दुख हो, ठीक उसी प्रकार किताबों से भी हमारा क्या होता है, संबंध भावनात्मक संबंध होता है ना, तो आंतरिक संबंध होता है। तो किताबें क्या करती हैं, हमें हमारे मित्र की भांति हर समय हमारे साथ रहती हैं, चाहे हमें कितना भी सुख हो दुख हो, चाहे हार हो जीत हो खुशी हो या फिर कोई गम हो, हर समय किताबें हमारा साथ देती हैं और हमें जीवन के विभिन्न अनुभवों की सीख कौन देती है, किताबें देती है। इसलिए ही हमें अपनी किताबों से प्यार हो जाता है, इसलिए यदि हमारी किताबें इधर उधर हो जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं। अतः हमें अपनी किताबों को कवर करके साफ सुथरा रखना चाहिए, उनको दीमक से बचाना चाहिए और झाड़ पहुंच करनी चाहिए तथा उन्हें अच्छे तरीके से अलमारी में रखना चाहिए। ये क्या है, इसकी देखभाल और रख रखाव। पहले हमने ये बताया कि किताबें हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, फिर हमने ये बताया कि हमें इसकी सुरक्षा और देखभाल किस तरीके से रखनी चाहिए। नेक्स्ट देखें, सबसे पहले देखते हैं हम रचनाकार का परिचय, यानी ये जो कविता लिखी है वो किसने लिखी है। तो सफदर हाशमी का जन्म 12 अप्रैल सन 1954 में दिल्ली में हुआ। इन्होंने देश में जन नाट्य मंच की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्होंने अनेक नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया। नुक्कड़ यानी गलियों के नुक्कड़ पे यानी गलियों के कॉर्नर के ऊपर जो नाटक किए जाते हैं उनकी रचना भी इन्होंने की, जो इनकी लोकप्रियता मुख्य कारण है। वह एक गीतकार तथा अभिनेता भी थे।
2 जनवरी सन 1989 को इनका निधन हो गया। 2 जनवरी सन 1989 को इसका निधन हो गया। मुख से यानी मौखिक प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिक्त स्थान भरिए। किताबें करती हैं बातें बीते की, बीते किसके जमाने की। किताबों में चिड़िया है चहचहाती। किताबों में का राज है, किसका राज है, रॉकेट का। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे। यह प्रश्न किसे संबोधित किया गया है। इस संबोधित यानी किसे मतलब लक्ष्य मानकर में यानी किसे संबोधित किसे जागृत करने के लिए ये वाक्य कहा गया है। तो ये वाक्य है वो बालकों को जागृत करने के लिए कहा गया है। किस संसार में जाने की बात की गई है। हमें किताबों के संसार में जाने की बात की गई है। उस संसार में क्या क्या ज्ञान भरा है। किताबों के संसार में खुशी, हार जीत, विज्ञान व अंतरिक्ष का ज्ञान भरा पड़ा है। नीचे देखिए हमें शब्दों से जोड़े मिलाने हैं। सबसे पहले देखिए परियां। परियां क्या है, परियों के क्या होते हैं, किससे। झरने, झरने क्या करते हैं, गुनगुनाते हैं। खेतियां, लहलहाना। रॉकेट, राज, रॉकेट में राज है। साइंस, आवाज। ये इस तरीके से हमारे मिलान करो, जोड़ों को हमने मिलाया शब्दों में, वाक्यों में। और मेरे विचार से प्रश्नोत्तर हमने पढ़ लिए हैं। अब देखते हैं भाषा और व्याकरण के प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा अर्थ बताने वाले। ज्ञान, ज्ञान। प्यार, नफरत। पास, दूर। पसंद, नापसंद। निम्नलिखित वाक्यों के वचन बदलकर लिखिए। चिड़िया चहचहाती है। अब एक चीज ध्यान में रखना, चिड़िया और चिड़िया इसमें क्या अंतर है। जहां पर या के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लग रहा है, इट मीन्स वहां पर सिर्फ एक चिड़िया है। और चिड़िया, चिड़िया लगते क्या हो जाता है, बहुत सारी चिड़िया है ना। तो चिड़िया चहचहाती है, यहाँ पर एक वचन था, हमने इसको बहुवचन बनाया। फसल लहलहाती है, फसल यानी एक वचन, फसलें लहलहाती है। नेक्स्ट देखिए झरने, झरझर करते हैं। अब यहाँ पे झरने बहुवचन है, उसको हमने एक वचन में चेंज किया है, झरना झरझर करता है। परियों के किस्से सुनाते हैं, परियों की जगह हमने लिखा परी के किस्से सुनाते हैं, क्योंकि परियों अपने आप में बहुवचन है, उसको हमने एक वचन में परिवर्तित किया है। जहां आपके बहुवचन होगा आपको एक वचन में करना है, जहां एक वचन आ जाए उसको बहुवचन में बदलना है। देखिए निम्नलिखित शब्दों में यथास्थान, अनुस्वार या अनुनासिक लगाइए। दत, दत में होता दंत, अं की मात्रा आती है, यानी यहाँ पर अपने आता है अनुस्वार। यहाँ पे बेटा ये गलत दे रखा है, आप इसको सही कर लीजिए। बुक में अनुस्वार होता है डॉट वाला बिंदी, और अनुनासिक होता है आपके चंद्र बिंदु का साइन। चंद्र बिंदु होता है अनुनासिक और अनुस्वार होता है आपके ओनली डॉट वाला। ये बुक में गलत दे रखा है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ओके, देखिए दंत तो इसमें आपने आएगा अनुस्वार। पूंछ तो पू के ऊपर आएगा आपने अनुनासिक। व्यंजन, व्यंग की मात्रा क्या आ रही है, य के ऊपर आ रही है, तो यहाँ पर आपने आएगा अनुस्वार। मंच तो ये आएगा आपके अनुसार मैं पे। खुशियां तो यहाँ आएगा आपके अनुनासिक। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप, इन काव्य पंक्तियों में की और की से पहले आए सभी संज्ञा शब्द हैं। देखे खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की, किताबों की। तो संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, भाव का नाम, स्थान का नाम। तो खुशी, गम ये क्या होते हैं, ये भाव होते हैं। फूल, बम ये किसी वस्तु के नाम है। जीत, हार ये भी भाव है, प्यार भी भाव है। मार, किताबें क्या है, संज्ञा मतलब किसी वस्तु का नाम हो गया। तो ये सब क्या है, संज्ञा स्थान है। अब नीचे देखिए ये नोट पढ़िए कि संज्ञा और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों के बाद ही आती है। इसके विपरीत
जो की का प्रयोग है वो अधिकांश वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, यानी यह क्रिया के बाद आती है। देखिए हम पढ़ते हैं, यह राम की पुस्तक है। दोनों की में आप डिफरेंस सीखिए। यह राम की पुस्तक है। राम कौन है? संज्ञा है। संज्ञा की जस्ट बाद अगर की आएगा या आपके ये वाला की आएगा। पूजा रमा की सहेली है। रमा कौन है? संज्ञा है, उसके जस्ट बाद की आएगा। अब यहाँ पर देखिए सर्वनाम शब्द से जस्ट पहले आया है। उसने बताया, क्या बताया? अब हम पूछ रहे थे क्या बताया, तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो इससे कनेक्ट करने के लिए, दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो कंजक्शन यूज में होता है, जिसको हम समुच्चय बोधक बोलते हैं, तो वो जो शब्द होता है, मतलब जो वर्ड हम यूज में लेके आते हैं, वो क्या कहलाता है? कि उसने बताया कि वह कल जयपुर जाएगा। समझ लीजिए कि यह घर आपका ही है। उसने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, है ना? कि ये वाला, ये जो की होता है ये कंजक्शन होता है, यानी अगला जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो इसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो वहां पर आपके ये आएगी की, जिसको आप छोटी की बोलते हैं, लेकिन छोटी की नहीं बोलते, इसको की बोलते हैं। और जो ये वाली की होती है इसको बोलते हैं की, की। इसको आप उच्चारण के माध्यम से इसका डिफरेंस समझिएगा। तो इस प्रकार चैप्टर की पीडीएफ आज हमारी कंप्लीट होती है। एनिमेटेड वीडियो और क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसकी जो पीडीएफ है वर्क के लिए, वो आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। वहां से आप इसको अच्छी लेख के माध्यम से अपनी पुस्तिका में, अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा और व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिएगा। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।